मध्य प्रदेश में नर्सों को चिरस्थायी वेतनमान देने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने तथा कोरोना वायरस से शहीद हुए नर्सिंग स्टाफ के परिजनों को अनुकंपा नियुक्त किए जाने को लेकर नर्सेज एसोसिएशन ने कमिश्नर रीवा को सौंपा ज्ञापन। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश नर्सेज एसोसिएशन की जिला इकाई ने आयुक्त रीवा संभाग को ज्ञापन सौंपा है। नर्सेज एसोसिएशन ने मांग पूरी न होने की स्थिति में आगामी 9 जून से विरोध प्रारंभ करने की बात कही है। विरोध सप्ताह के तहत 9 और 10 जून को नर्स काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। उसके बाद 11 जून को नर्स पीपी किट पहनकर काम करेंगे। 12 जून को नर्स मानव श्रृंखला बनाकर मांगों से संबंधित हाथों में तख्ती लेकर खड़ी रहेंगी। इसके बाद 13 जून को एसोसिएशन अपनी मांग से एक बार फिर प्रशासन को अवगत कराएंगे। 14 जून को नर्सों द्वारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। विरोध सप्ताह के अंतिम दिन 15 जून को नर्स 2 घंटे काम नहीं करेंगे। ज्ञापन में कहा गया कि विरोध सप्ताह की अवधि में मांगे पूरी न होने की स्थिति में नर्स आगामी रणनीति पर कार्य करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान नर्स एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष अंबिका तिवारी, शक्तिधर शर्मा, उपेंद्र त्यागी, अकील खान सहित अन्य नर्स उपस्थित रहीं। प्रस्तुत है नर्स एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष से प्राप्त जानकारी के अंश। तो ज्ञापन सौंपा है, क्या मांग है आपकी? हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को सेकंड ग्रेड दिया जाए, पुरानी पेंशन बहाली की जाए। कोरोना योद्धा जो हमारी नर्सें हैं तो उनके परिजन जितने भी मतलब जो नर्सेस इस कोरोना काल में ख़त्म हो गई हैं, ड्यूटी करते करते अपना जीवन बलिदान दे दी हैं। ऐसी कितने नर्सें हैं अपने रीवा संभाग में? रीवा संभाग क्या, हम तो प्रदेश की बात कर रहे हैं। प्रदेश में कम से कम 200 नर्स होंगी जो जिनका जीवन समाप्त हो गया है। तो उनको कोरोना योद्धा से सम्मानित किया जाए और उनके परिजनों को, उनके बच्चों को उनकी जगह में सेवा का अवसर दिया जाए। ये ज्ञापन आपने किसके नाम सौंपा है? ये हमने ज्ञापन सौंपा है अपने जो चिकित्सा शिक्षा हैं, सचिव हैं, मुख्यमंत्री हैं, इन लोगों के समान। क्या अगला आपका निर्णय रहेगा? अभी हम लोग तो 9 तारीख से लेकर लगातार 15 तारीख तक स्टेप बाय स्टेप काम नहीं बंद करेंगे, लेकिन अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्या रहेगा विरोध प्रदर्शन का? विरोध प्रदर्शन में एक तो काली पट्टी रहेगी, दूसरा पीपी किट पहन के प्रदर्शन करना है, तीसरा अपन लोग बोर्ड में लिख के और हाथ में पट्टियाँ लेके अपनी मांगे रखेंगे और उसका प्रदर्शन करेंगे, और 15 तारीख को अपन लोग 4 घंटे का काम बंद करेंगे। अभी जब जूडा की स्ट्राइक हुई थी तब आप लोगों ने अपनी बात क्यों नहीं रखी उसी समय? अब एक साथ अगर नर्स डॉक्टर चले जाएंगे तो हमारे रीवा की पब्लिक का मांग तो आपकी है ही है। अब हम लोग यही इंतजार कर रहे थे कि कोई तो आ जाए, मरीजों का भला भी होता रहे और हम लोगों की मांगे भी पूरी। क्या नाम है आपका और क्या पद है? मैं अंबिका तिवारी हूँ, रीवा की जिलाध्यक्ष नर्सेस एसोसिएशन।